सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले एनसीसी लिमिटेड, इस स्टॉक में आज के दिन 11 रुपए 80 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 5% से भी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 238 रुपए 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म में हायर लो हायर बॉटम का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 230 रुपीज। इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी। स्टॉक ने 2 से 3 बार सेम प्राइस टच करके ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है और स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 220 रुपीज। 220 रुपीज के स्टॉक ने नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनाया और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा। आज के दिन स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 240 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 220 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 265 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 220 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जब देखने को मिल सकता है जब स्टॉक 220 रुपीज से नीचे गिरता है। आज के दिन स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा उछाल है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।